मेरा नाम अमित पवार है सर। 2018 में एक यूपी पुलिस की भर्ती निकली थी, उसमें हम लोगों का DVPST हुआ फिजिकली हम लोगों से, फिर लेकिन मेडिकल से पहले इन्होंने लास्ट मेरिट लगा दी। और जब मेडिकल हो रहा है अभी 14,000 बच्चों का मेडिकल हुआ था, उसमें 2,000 बच्चों की सीट खाली है, और अब जो बच्चे जाएंगे सेकंड बैच के उसमें भी 3,000 की सीट खाली होगी। और हम चाहते हैं कि जो सीट खाली हो उन पर हम लोग को लिया जाए, वेटिंग लिस्ट लगाई जाए। अभिषेक, हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी हैं, जो जिनका फिजिकल टेस्ट करवा लिया गया और परीक्षा करवा ली गई, रिटिन एग्जामिनेशन उनका करवा लिया गया, और हमें मेडिकल से पहले ही बाहर कर दिया गया। वो लिस्ट ये नियम विरुद्ध है जो उन्होंने बनाया है पहली सरकार ने, उसमें लिखा गया है वो नियम है 15-6G, जिसके तहत जो बच्चे रह गए हैं जो अनफिट हुए हैं उनकी जगह दूसरे बच्चों को लिया जाए, पर सरकार ये नहीं कर रही है। ये परीक्षा 2018 में भी हुई है, 2019 में 20 में भी हुई है जनवरी में। यह अभ्यर्थी लगभग 10,000 या 12,000 के करीब हैं।